हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माउंटेन ट्रैवलर। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और आज मैं आ गया हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, जिसमें हम दर्शन करेंगे श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल के, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस जिले में पड़ता है। तो अभी हमारी जो यात्रा है वो न्यू दिल्ली से स्टार्ट होने वाली है और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारी जो ट्रेन है, ट्रेन नंबर है 12560 शिवगंगा एक्सप्रेस, जो कि न्यू दिल्ली से 8:05 पर चलती है और सुबह 6:10 पर बनारस पहुंचती है। और बनारस जाने के लिए सुपर फास्ट ट्रेन है और तकरीबन 10 घंटे में ये बनारस पहुँचा देती है। इसका स्लीपर का किराया लगभग 430 है और थर्ड एसी का 1140। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बनारस रेलवे स्टेशन पे और अब काशी विश्वनाथ के लिए यहां से जाऊंगा। और अभी हम हैं बनारस रेलवे स्टेशन के बाहर और ये देखिए बनारस रेलवे स्टेशन का नज़ारा। और यहां से जो मंदिर की दूरी है लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है, जिसे हम ऑटो रिक्शा से कवर करेंगे। और मंदिर के पास का जो चौराहा है, जहाँ गदौलिया चौराहा जिसे बोलते हैं, वहाँ तक रिक्शा मिलेगा, उसके बाद हम पैदल यात्रा करेंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए मंदिर कॉरिडोर के 3 दरवाजे हैं, 2 दरवाजे साइड में और एक प्रमुख दरवाज़ा जो कि दश अश्वमेध घाट और गंगा नदी के किनारे पड़ता है, जिससे श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान कर सीधे मंदिर दर्शनों के लिए जा सकते हैं। और अभी हम पहुंचे हैं दश अश्वमेध घाट पर, जो कि वाराणसी का एक प्रमुख घाट है जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। काशी खंड के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसकी वजह से इस स्थान का नाम दश अश्वमेध घाट पड़ा। और रोज़ाना सुबह शाम यहाँ गंगा जी की आरती की जाती है, जिसमें श्रद्धालुओं का भारी हुजूम जुटता है। और अभी हम हैं दश अश्वमेध घाट पर बोट राइड पर, और बोट राइड के द्वारा हम जो वाराणसी की खूबसूरती और गंगा जी के दर्शन आप बोट राइड पर कर सकते हैं। और तकरीबन 88 घाट जो वाराणसी में पड़ते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख घाट हैं जो कि गंगा नदी के किनारे हैं। आप गंगा नदी में बोट राइड के दौरान उन सभी घाटों के बारे में जान सकते हैं और उनको देख सकते हैं। और बोट राइड का जो चार्जेस है लगभग 150 से 200 पर पर्सन है। वाराणसी में गंगा नदी के किनारे लगभग 88 के आसपास घाट्स हैं, जिसमें आप नौका विहार के दौरान जो सभी घाट्स हैं उनको आप निहार सकते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख घाट हैं 80 घाट, 10 अश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, ललिता घाट, चेत सिंह घाट और सिंधिया घाट। इसके अलावा और भी काफ़ी घाट्स हैं जो कि गंगा नदी के किनारे आप नौका विहार के दौरान देख सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। बोट राइड के दौरान तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर का जो सफ़र है, आप गंगा नदी के किनारे बनारस शहर की खूबसूरती को निहारते हुए और यहाँ के जो प्रमुख घाट हैं उनको देखते हुए आप वापस मंदिर कॉरिडोर तक जा सकते हैं। और इसमें तकरीबन 1.25 से 1 घंटे का समय लगने वाला है और इसके बाद हम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम वापस आ चुके हैं दश अश्वमेध घाट के पास और गंगा नदी के पास से जो घाट का नज़ारा है बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है। और इसके साथ में ही जस्ट बराबर में ही है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उसके साथ में है मणिकर्णिका घाट। और मणिकर्णिका घाट एक प्रमुख घाट है वाराणसी का, जहाँ पर हिंदू अंत्येष्टि लगातार होती रहती है और इसी के कारण इसे महाशमशान के नाम से भी जाना जाता है। और अभी हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कॉरिडोर गेट पर और बाबा विश्वनाथ के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद
गंगा घाट से सीधे इस कॉरिडोर के रास्ते बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। और अभी हम हैं मणिकर्णिका घाट पर, जो कि काशी का एक प्रमुख दाह संस्कार घाट है, जहां पर 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं और इसीलिए इसको महाशमशान घाट के नाम से भी जाना जाता है। मणिकर्णिका घाट के जस्ट बराबर में ही है रत्नेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि एक शापित टेम्पल है और इसको वाराणसी का झुका हुआ मंदिर भी कहते हैं। और साल का ज़्यादातर समय यह मंदिर नदी में डूबा रहता है और यह एक भगवान शिव को समर्पित एक टेम्पल है। और अभी हम हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मुख्य गेट पर, जहाँ से हम मंदिर दर्शन के लिए एंट्री करेंगे। और मंदिर दर्शन के लिए दो तरह की लाइन है, एक है नॉर्मल लाइन और जिसमें 2 से 4 घंटे का समय लगने वाला है, और इसके अलावा सुगम दर्शन जिसके लिए आपको टोकन या पर्ची कटवानी पड़ेगी, जिसका चार्ज है 300 रुपये, के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। हमने नॉर्मल लाइन में लगकर दर्शन किए हैं, जिसमें तकरीबन 2 से 4 घंटे का समय हमें लगा। और मंदिर परिसर के अंदर ही आप मोबाइल डिपॉजिट भी कर सकते हैं, क्लॉक रूम है जहाँ पर आप मोबाइल डिपॉजिट कर सकते हैं। और अभी हम हैं 80 घाट पर, और यहाँ पर भी गंगा जी की सुबह शाम आरती होती है। और अभी हम हैं जानकी घाट पर, जो कि वाराणसी का एक प्रमुख घाट है। उसके ठीक अपोजिट साइड गंगा नदी के उस तरफ टेंट सिटी है, जहाँ पर टेंट और वीआईपी कॉटेज हैं, जिसमें आप गंगा नदी के किनारे बीचों बीच में आप नाइट स्टे कर सकते हैं। और अभी हम वापस आ चुके हैं 10 अश्वमेध घाट पर, और कुछ ही समय के बाद यहाँ गंगा जी की जो आरती है वो शुरू होने वाली है। तो हम अपना स्थान ग्रहण कर गंगा जी की आरती में सम्मिलित होंगे, और सामने नदी में भी जो नावें हैं वो गंगा आरती के लिए तैयार हो रही हैं। इन नावों में बैठकर भी आप गंगा आरती के दर्शन कर सकते हैं, जिसका चार्ज पर पर्सन 400 से 500 रुपये है। Thank you.
आरती के बाद अब वापस हम दिल्ली के लिए रवाना होंगे सेम ट्रेन से, और हमारा एक दिन का जो वाराणसी का ट्रिप था वो यहीं पर समाप्त होता है।